नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी जो लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, और सबसे अहम बात ये कि आप उससे सीख रहे हैं और आपको उसमें कुछ शौक जाग रहा है आगे कुछ सीखने का। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं कि क्या क्या मैं टॉपिक आपसे शेयर करूँ। तो आज एक रिक्वेस्ट थी पढ़ंत के ऊपर बात करने की। एनीवेज, मैंने ये लेना ही था टॉपिक, लेकिन जो लोगों ने पढ़ंत के लिए रिक्वेस्ट की है उनके लिए खास ये पेशकश। पढ़ंत यानी पढ़ना, रिसाइट करना, रेसिटेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर है एंड दिस इज़ अ यूनिक एंड एक्सेप्शनल फीचर ओनली इन कथक वेयर अ डांसर हैज़ टू रिसाइट ड्यूरिंग हिज और हर परफॉर्मेंस एज अ पार्ट ऑफ हिज और हर प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस व्हेन वी रिसाइट। इसीलिए हमें उसका बहुत अभ्यास करना चाहिए, जिस तरह कि हम अपने टेक्निकल प्रैक्टिकल को, अभिनय को सजाते हैं, ऐसे ही पढ़ंत भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कथक में। पढ़ना सिर्फ उसको पढ़ने के लिए ही नहीं पढ़ना, बल्कि उसको विजुअलाइज करके पढ़ना और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जैसे मैं वन बाय वन जाऊंगी आपके साथ। पढ़न ऐसा होना चाहिए कि उसमें पूरा नाच दिखाई दे, क्योंकि उसी पढ़न पे हमने नाचना होता है, उसी पढ़न को हमने अपने मूवमेंट्स में लेना होता है। तो पढ़न के बोल उसका सबसे पहला जो है रूल अकॉर्डिंग टू मी इज द प्रोनंसिएशन, उच्चारण। धा ता दिन न न न न। अब धा जो है वो गंभीर प्रवृत्ति का है, उसका थोड़ा मिजाज धा का बेस वाला है। सो धा धा त क थूंगा, धा धा गंभीर है, ता थोड़ा अपवर्ड्स है, ता थोड़ा स्टिफ है, थोड़ा ब्राइट है, ता धा ता, जैसे कि पखावत से या तबले से वो साउंड निकलता है। धा बाएं हाथ से होता है, ता चाटी पे होता है या फिंगर से होता है और दाएं से होता है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। दिन दिन में एको होता है, दिन एक गूंज है, दिन न न न न न न न, तो इसका पिच ऊपर अच्छा लगता है। ये सब चीज़ों को वर्ड बाय वर्ड, सिलेबल बाय सिलेबल अभ्यास करना पड़ता है। दूसरी चीज़ आती है इसके बाद, इसकी क्लैरिटी, उसकी सफाई, बोलों की सफाई। धा किट तक धुम किट तक। अब विलंबित में तो हमने बोल दिया, मध्य में भी बोल दिया, जहाँ द्रुत हुई वहाँ पे हम अटक जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेबल्स होते हैं और ये ज़ुबान के लिए मुश्किल होते हैं, ट्विस्ट हो जाती है ज़ुबान। सो धाकिट तक धुम किट तक। धीरे धीरे करके जैसे हम तत्कार का अभ्यास करते हैं, इसी तरह पढ़ंत का भी अभ्यास करना चाहिए, विलंबित में, फिर उसको मध्य में, उसके बाद द्रुत में। कुछ बोल उनका कॉम्बिनेशन है बहुत जटिल होता है, जैसे एक के बाद दूसरा बोलने में तकलीफ होती है। धिट धिट, ये सिर्फ धिट धिट है, लेकिन जब हम इसको बार बार बोलते हैं तो इसमें तकलीफ़ होती है। उसी को ये हमने प्रैक्टिस करनी है, उसी को साधना है। और जिस तरह तबले पे खूबसूरती से धिट धिट का साउंड आता है या पखावज पे आता है, वैसा ही हमारी पढ़ंत में होना चाहिए, क्योंकि वो ही हम अपने घुंघरू से निकालने जा रहे हैं। पढ़ंत के लिए और एक ख़ास बात कि अगर हम उसको
हमने उसको कोई थीम दिया है, अपनी तिहाई को या टुकड़े को कोई थीम दिया है, कोई भाव में उसको हमने सजाया है, तो भाव है तो फिर उसमें एक थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन है, तो उसको ध्यान रखते हुए, फॉर इंस्टेंस, ता का ता केटा। अब सपोज मैंने अगर इसको डेकोरेट किया है कि दो दोस्त हैं, एक ता का ता केटा, तो दोनों का मिजाज फ़र्क होगा क्योंकि वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। सो ता का ता केटा, वो बड़ा मोनोटोनस हो जाता है, ता का ता केटा। वेरिएशंस उसके कैरेक्टर को लेते हुए, जस्ट एक छोटा सा इमेजिनेशन का एक खेल है। फिर आती है बात छंद की, उसके मीटर की। सो यही जैसे मैं सिलेबल लेती हूँ, ता केटा, तीसरी जाति का है। फिर इसके बाद हम जाते हैं पांच की जाति में, जाते हैं ता का ता केटा। खंड मिश्र संकीर्ण, ता का दे गता केटा। तो जो छंद है, जो जाति है, वो दिखनी चाहिए पढ़ंत के थ्रू। जैसे संकीर्ण में हम बोल रहे हैं तक अधिक तक ताकेटा, तो अगर मैं उसको, मैं अगर उसमें उलझ जाती हूँ, क्लियर नहीं निकालती हूँ छंद को, तो ऑडियंस तक वो उसकी तासीर, उसका मज़ा नहीं जाएगा, उसका आनंद नहीं जाएगा। जैसे तक अधिक ताकेटा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है, तक अधिक ताकेटा। इसको ऐसे ना करके तक अधिक ताकेटा, जैसे कि हम पेंटिंग में कोई आकार बनाते हैं, तो इसी तरह हम जातियों का आकार बनाते हैं, पढ़ंत में आकार बनाते हैं। फिर हमारा आता है परन या टुकड़ा, जैसे हमने बोला, एक मेरी बहुत प्रिय परन है और इसका पढ़ंत में मुझे करने में बहुत आनंद आता है। गद्दिन न गितिटता गितिरे किटता धिगिट धान धा तान धा तान धा ता धा कृता तिट धान धान धा कृता तिट धान धा धा कृता तिट धान धान धा धेर कृतान धा कृता तिट धान धान कृता तिट धान धान धा कृता तिट धान धान धेर कृतान धा कृता तिट धान धा धा कृता तिट धान धा धा कृता तिट धान धान धा धेर कृतान धा। सो हर धा का वही जगह, जैसे सारे गम पधनी, ये सब श्रुतियाँ हमारी, स्वर हमारे फिक्स्ड हैं। इसी तरह कथक में सिलेबल्स भी थोड़ा, उनकी पिचेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं। सो पढ़ंत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड एज आई सेड अर्लियर, इट्स अ यूनिक फीचर। नन ऑफ द डांसर्स इन एनी अदर स्टाइल्स हैज टू परफॉर्म विद रेसिटेशन। सो पढ़ंत बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत मज़ा आता है इसको करने में, और इससे पढ़ंत के साथ आपकी लय दिखाई देती है, आपका मिजाज दिखाई देता है, आपकी लय पे पकड़ दिखाई देती है, और आपने क्या विजुअलाइज किया है। अब जैसे गद्दिन है, गद्दिन गद्दिन, तो उसका उच्चारण भी जाएगा गद्दिन। अगर इसको हम बेस में लाते हैं गद्दिन ना गिते टता गिते रे किटे तक, वो बड़ा डल हो जाएगा और मोनोटोनस हो जाएगा। और एक पढ़ंत में चीज़ कि पढ़ंत लाइवली होनी चाहिए, लाइवली, उसमें जीवंतता होनी चाहिए। जैसे कि डांसर मंच पे आके माइक के सामने जब पढ़ंत के लिए आता है, तो वो हिस्सा ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग होना चाहिए कि अब क्या पढ़ने जा रहा है, क्या बोलने जा रहा है, क्योंकि उससे आपका बोल के साथ, उस सिलेबल के साथ कितना गहरा रिश्ता है, कितनी आपकी मोहब्बत है उस सिलेबल के साथ, वो भी दर्शकों को दिखाई देने वाली होती है, समझ में आती है। अब जैसे गिनती की तिहाई है, महाराज जी की बहुत बहुत अनेक न्यूमरस गिनती की बहुत खूबसूरत खूबसूरत तिहाइयाँ हैं, और महाराज जी तो ये भी कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि सुंदर कोई चीज़ हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, सुंदर भी हो सकती है, लेकिन सिंपल सी चीज़ को भी आप किस तरह से सुंदर बनाएं पढ़ंत के ज़रिए। जैसे एक तिहाई है, बहुत प्रचलित तिहाई है, जूनियर क्लास में अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात।
अब इसमें तिहाई जो जा रही है एक दो तीन चार पाँच छः सात की, उसको अगर हम हर बार ही तिहाई को एक ही तरह से कहेंगे तो समझ में आएगा कि ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से सजाया जा रहा है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब एक आखिरी चीज़ पढ़ंत की जो और इम्पॉर्टेंट है वो है उसका वॉल्यूम। जैसे कहाँ पे हमने आवाज़ कम की, कहाँ पे हमने आवाज़ में पावर लेके आए, तो आपके हाथ में होता है उसको वॉल्यूम को हायर करना लोअर करना। तो पढ़ंत में वो भी बहुत ध्यान रखना होता है। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि आपके पास अगर बहुत सारे सिलेबल, मतलब एक सिलेबल को आपको कई बार रिपीट करना है, फॉर इंस्टेंस तकिट धेकिट 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 तकिट 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 धेकिट तकिट धेकिट, तो आप काउंट करेंगे अगर तकिट धेकिट तकिट धेकिट तकिट धेक, एक बार दो बार तीन बार आप उलझ जाएंगे। उनके सेट्स बना लेते हैं। सेट्स यानी कि जैसे जोड़ा, सो तकिट धेकिट तकिट धेकिट तकिट धेकिट तकिट धेकिट, चार मैंने तकिट धेकिट एक साइड बोल दिए, चार तकिट धेकिट मैंने दूसरे साइड बोल दिए, तकिट धेकिट 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 तकिट धेकिट, तो आठ यहाँ कवर हो गए, आठ यहाँ कवर हो गए, तो 16 इतनी आसानी से निकल गए कि आपको सोचना नहीं पड़ा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये सब चीज़ें किसी किताब में नहीं मिलती हैं, ये सब गुरु के चरणों में ही बैठ के सीखना पड़ता है। और क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अमूल्य है, मेरे लिए बहुत प्रेशस है, और मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करना, तो आप हो सके, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फ़ायदा लेंगे। और आजकल जो परिस्थिति पूरी दुनिया में चल रही है उसको देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप सेफ होंगे, घर पे होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे कथक की बात काजल के साथ। और आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। तब तक स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार।